नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो विश्व भूगोल आपका चालू किए थे। विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो आपका एशिया महाद्वीप के बारे में जानेंगे। और एक से दो दिन में आपका विश्व भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका विश्व इतिहास जो है वर्ल्ड हिस्ट्री चालू करेंगे। इसलिए एकदम इस चैनल के साथ बने रहिए, कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं जाएगा। जितना भी महत्वपूर्ण चीज़ है, सब कुछ को टॉपिक वाइज बेहतरीन ढंग से पढ़ने का काम किया जाएगा। आपको बोले हैं कि सप्ताह में 4 से 5 सुबह में आपको साइंस का क्लास बड़ा बड़ा देकर कंप्लीट कराएंगे। किसी दिन अब्सेंट हो सकता है, उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए जो साथी देख रहे हैं वीडियो को, नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जितना भी टॉपिक वाइज क्लास हुआ है, ये सभी क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ पर लिखा होगा बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024। क्या लिखा होगा? बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024। वहाँ पर टोटल जीके का क्लास आपको मिल जाएगा। उसी में साइंस का भी क्लास, साइंस का क्लास हो सकता है प्लेलिस्ट अलग से बनाकर ऐड कर देते हैं। इसलिए एकदम सभी क्लास को अच्छे से देख जाना है। ऑब्जेक्टिव पोर्शन ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है। रिवीजन क्लास अंतिम समय में ज़्यादा से ज़्यादा करना है। देखिए, कौन कौन से क्वेश्चन आपके एशिया से पूछे जा सकते हैं, वही क्वेश्चन लिया गया है जो आपका बारम्बार यानी ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। पहला है लाल सागर। कौन? लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। क्वेश्चन पूछेगा लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। एशिया और अफ्रीका को कौन अलग करता है? लाल सागर और स्वेज नहर। अगला है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि का नाम सुने होंगे, ये एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में स्थित है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन अलग करता है या बीच में है? तो बेरिंग जल संधि। कौन जल संधि? बेरिंग जल संधि। पूछेगा क्वेश्चन एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है, तो बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि कहाँ पर है क्वेश्चन पूछे, तो एशिया और उत्तरी अफ्रीका अमेरिका के बीच में है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। क्वेश्चन पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो आपका अरब प्रायद्वीप होगा। कौन प्रायद्वीप? अरब प्रायद्वीप जो आपका है वो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप तो बोलिएगा कि अरब प्रायद्वीप। अगला है विश्व का सबसे विस्तृत पठार, तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे विस्तृत का अर्थ हो गया कि एक ही बड़ा पठार कौन सा है, तो तिब्बत पठार। विस्तृत मतलब फैला हुआ पठार कौन सा है सबसे बड़ा, तो बोलिएगा तिब्बत का पठार। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला, तो बोलिएगा कि माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर इसकी ऊंचाई है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला कौन सा है? माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर ऊंची है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? पामीर का पठार जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया था आपका विश्व का सबसे विस्तृत यानी फैला हुआ पठार, तो तिब्बत का पठार। यहाँ पर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तब बोलिएगा कि पामीर का पठार। अगला है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो किस देश का है क्वेश्चन पूछे, तो बोलिएगा कि सिंगापुर। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर देश पूछे कौन सा है, तो बोलिएगा सिंगापुर जो आपका है वो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्वेश्चन है। देखिए, जितना भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया जाता है, और इस बार बहुत कम ही नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि 1,06,000 रिजल्ट आएगा। अभी भी बहुत कम ही लड़का सीरियस रूप से बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ लोग का कहना है कि जो CSBC की ऑफिशियली साइट है, वहाँ पर आपका एग्ज़ाम डेट से संबंधित अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है।
लेकिन जो साथी केवल एग्ज़ाम डेट के बेसिस पर तैयारी करते हैं उनका रिजल्ट कभी नहीं होता है। एग्ज़ाम डेट कभी आए नहीं आए, पढ़ना आपका काम है, आप पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम का एक दिन होना तय है, लेकिन आपका एग्ज़ाम अगस्त में होगा। आप अगस्त का टारगेट सेट करके आप अपना तैयारी में लगे रहिए। अगला है, विश्व का सर्वाधिक गहरा गर्त कौन सा है? मेरियान गर्त जो है वो विश्व का सबसे सर्वाधिक गहरा गर्त है। ये आपका प्रशांत महासागर में पाया जाता है। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे गहरी झील कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा झील बोले तो बैकाल झील जो आपका है वो विश्व का सबसे गहरा झील है। अगला है, विश्व में सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा समाचार पत्र किस देश में पढ़ा जाता है? तो हांगकांग जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा समाचार पत्र पढ़ा जाता है। अगला है, विश्व में सर्वाधिक डाकघर वाला देश, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस किस देश में है? तो आपका देश है भारत। भारत में सर्वाधिक डाकघर है, यानी विश्व में सर्वाधिक डाकघर वाला देश पूछे तो बोलिएगा कि भारत जो है विश्व में सर्वाधिक डाकघर वाला देश है। अगला है, विश्व में सर्वाधिक सिंचाई नहर, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा सिंचाई नहर से किस देश में होता है? तो आपका है पाकिस्तान। यानी विश्व में सर्वाधिक सिंचाई अगर पूछे नहर से किस देश में होता है तो बोलिएगा कि पाकिस्तान में। विश्व में सर्वाधिक सिंचाई नहर से होता है। अगला है, विश्व का सर्वाधिक सिनकोना उत्पादन देश इंडोनेशिया है। क्वेश्चन पूछे विश्व में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सिनकोना का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो बोलिएगा कि इंडोनेशिया जो है वो विश्व में सर्वाधिक सिनकोना का उत्पादन करता है। अगला है, विश्व का सर्वाधिक, क्या लिखा है? विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश, विश्व में सबसे ज़्यादा जलयान कौन सा देश बनाता है? क्वेश्चन पूछे तो बोलिएगा कि आपका जो जापान है वो सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो कैप्सियन सागर जो आपका है वो विश्व का सबसे बड़ा झील है। विश्व का सबसे बड़ा झील कैप्सियन सागर। अगला है, स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड और म्यांमार आता है। क्वेश्चन पूछेगा कि स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? लाओस, थाईलैंड और म्यांमार आता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक रबर उत्पादन कहां पर किया जाता है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला देश आपका थाईलैंड है। लास्ट क्वेश्चन आपका यही है कि चीन जो आपका देश है, चीन जो देश है वो चावल, गेहूं, तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। चावल गेहूं में भारत का स्थान द्वितीय है और चीन का स्थान चावल गेहूं उत्पादन में फर्स्ट है। ये था आपका एशिया महाद्वीप से संबंधित वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। आप सभी इसे एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।